चार पुलिस वाले एक लेडी जी वो बैठी हुई रोक क्यों ले जा रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं बताया, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं रोते रहे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़। क्या आप सोच सकते हैं कि एक महिला अपने बच्चों के साथ घर में अकेली बैठी हुई है और शाम के अंधेरे में पुलिस वाले अचानक से आ जाएं और उसे गिरफ्तार करके ले जाएं और 22 दिन तक उसको प्रताड़ित करें। ये जो मामला है फरीदाबाद का है, जो कि दिल्ली NCR में आता है और काफ़ी सुख सुविधाएँ यहाँ पर रहती हैं। फरीदाबाद की रहने वाली एक महिला है जिसको अचानक से 4 से 5 पुलिसकर्मियों ने शाम को गिरफ्तार किया और उसके बाद 22 दिन तक उसको जेल के अंदर रखा। और उसको उस महिला को सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उस महिला को यही नहीं पता कि उसका आखिरकार कसूर क्या है। वहीं अब वो अपने न्याय की मांग के लिए कैमरे के सामने आई है। आइए उससे बात करवाते हैं। बस मुझे तो इतना मालूम है, वे मेरे घर पे आए थे, रात के 7:30 बज रहे थे, मैं अपने बच्चों के साथ बैठी थी अंदर कमरे में, उन्होंने गेट बजाया, मेरी लड़की ने गेट खोल दिया और वे बस अंदर बढ़े और 2-3 थप्पड़ मार कर खींच कर लिया, गाड़ी में बिठा कर बच लिया। और मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं बताया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं रोते रहे। आपको कोई वजह नहीं बताई? कितने पुलिस वाले थे? 3-4 पुलिस वाले, एक लेडी जी वो गाड़ी में बैठी थी। कुछ भी नहीं बताया गया कि किस वजह से आपको उठा कर लेकर जाए? तो जेंट्स पुलिसकर्मी थे, उन्होंने आपके पर मारपीट भी करी थी आपके साथ? वो अंदर कमरे में गए, उन्होंने 2-3 थप्पड़ मारे और खींच के बाहर तक ले आए। अच्छा, और कुछ नहीं किया? तो घर में उस वक्त कोई था? घर में कोई था उस वक्त? और कोई नहीं था, बस छोटे छोटे बच्चे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, उसके बावजूद 4 से 5 पुलिस वाले आए जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी थी। वो तो 22 दिन आपके कैसे बीते? बताओ बेटा, बताओ, बताइए। बस बहुत मुश्किल से बैठे हो 22 दिन। सैद गांव है, बदरपुर से पहले ही है, देहात में, वहां की रहने वाली है। इनके पति का और वहाँ के कुछ दबंग लोगों का कोई मामूली झगड़ा था, सिविल का मामला था, ज़मीन का मामला था, वो चल रहा है, सिविल केस चल रहा है। लेकिन दबाव देने के लिए कि ये सिविल केस की पैरवी ना करें, अब पहले अपनी जान बचाएं, क्या किया कि एक FIR झूठी कराई जाती है। उसके सारे फैक्ट्स हमारे पास हैं कि झूठी FIR किस तरीके से है। उसके 3 एग्रीमेंट बने हैं, एक एग्रीमेंट के बाद ज़मीन का आप लोग जानते हैं, दूसरा एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। तो एक तो सबसे पहले ये बात आ जाती है, जब उसने 3 एग्रीमेंट बनाए हैं, अलग अलग बनाए हैं, उसी ज़मीन के बनाए हैं, उसकी नाप भी अलग बना दी है। एक एग्रीमेंट में 26,65,000 बताते, दूसरी एग्रीमेंट में 25 लाख बताते, जबकि वहाँ की मार्केट वैल्यू करोड़ के करीब है ज़मीन की। ये मामले में उन्होंने सिविल केस डाल दिया कि ये हमें ज़मीन नहीं दे रहे हैं। इसको दबाव देने के लिए FIR और करा दी कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, ये पैसा ले लिया है और बाकी पैसा हम देने को तैयार है, ये नहीं कर रहे। ये जब सिविल केस हो गया तो क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने पैसे ले करके, वो दबंग लोग हैं, पैसे इसी तरह लेते हैं, बेईमानी करते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने FIR की। FIR में नाम इनके पति का दिया, क्योंकि ज़मीन का मालिक पति है, ये ज़मीन की मालिक नहीं है। आप जानते ही हैं, पत्नी तो अर्धांगिनी मानी जाती है, जब तक पति जीवित होते हैं पति का कोई अधिकार प्रॉपर्टी में नहीं होता है। तो पति के खिलाफ FIR करा दी जाती है कि इसने धोखा किया है, हमारा एग्रीमेंट नहीं कर रहा है, ज़मीन को नहीं दे रहा है। जब पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद हुआ, अभी भी इस पर दबाव नहीं पड़ रहा है, अब पत्नी को लेके जाते हैं। पत्नी के खिलाफ FIR नहीं है, FIR में नाम ही नहीं है, FIR की कॉपी हम आपको दे चुके हैं। इसके बाद भी पत्नी को गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार कब करते हैं? रात को। रात को क्या है, हमारे पास फुटेज है, CCTV इनके घर में लगा हुआ है, उसकी फुटेज हमारे पास है, और गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो बताते हैं कि साहब तो रात को गिरफ्तार किया है, और सबसे ज़्यादा टॉर्च दिखाई गई है, उसमें टॉर्च जला रहे, दिन में क्या टॉर्च जला करके आप गिरफ्तार करेंगे? ये 3 सबूत हमारे पास हैं, यानी लोगों के सबूत, यानी फुटेज का और टॉर्च का। यानी खाली आरोप नहीं है, सबूत हैं आपके पास? सबूत हैं हमारे पास, यहाँ के नेताओं के पास भी गया है, मैं खुल के कहता हूँ, कृष्णपाल गुर्जर जी के पास भी गया है,
और लोगों के पास भी गया है, कमिश्नर के पास भी गया है, जब कहीं नहीं सुनवाई हुई तो इन्होंने सोचा मुझे मेरे पास आए, और मैंने फौरन कहा कि मैं आप लोगों को तकलीफ दूं, मीडिया को तकलीफ दूं, मीडिया को बताऊं और मीडिया इसको प्रचारित प्रसारित करे। जो तो पुलिसकर्मी हैं जो गए थे गिरफ्तारी करने के लिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, उनके खिलाफ तो FIR होना चाहिए, कानून को वो अपने हाथ में नहीं ले सकते, FIR होना चाहिए फौरन उनके खिलाफ। इसलिए हम कानून का रास्ता भी अपनाएंगे, संघर्ष का रास्ता भी अपनाएंगे। कानून का रास्ता ये है कि यहाँ पहले हमने केस डाल चुके हैं 156(3) का, जिसमें कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है पुलिस को कि FIR करो, हमारे पास काफ़ी सबूत है, और वहाँ भी नहीं हुआ तो हो सकता है हाई कोर्ट तक जाएंगे। हुई थी तो कुछ इनके परिवार वाले हैं, जो परिवार से इनके फैमिली मेम्बर हैं, उनके द्वारा मेरे संज्ञान में ये बात आई है, और बड़े शर्म की बात है कि रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। IO विजय सिंह जो है कानून का मुहाफिज होने के बावजूद कानून को तोड़ता है और देर रात सविता देवी को अरेस्ट करता है, और IO विजय सिंह के खिलाफ जो है FIR लॉन्च होनी चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताई जा रही है, इसमें ज़मीनी मामला था जी, उस मामले से इनका क्या रिलेशन था? इनका कोई रिलेशन नहीं है, इनको सिर्फ दबाव बनाने के लिए उठाया गया था। बाद में कुछ ऐसी बातें भी आई थी कुछ सामने कि इनको उठा के अंदर बंद कर दो, खर्चे पानी की चिंता मत करो, तो उधर से जैसे कि इन्होंने गाड़ी में इनको बैठा के ले जा रहे थे, इनको कंटिन्यू फ़ोन पे बात हो रही थी, तो IO विजय सिंह के फ़ोन पे कह रहा था कि यार तुम मेरी वर्दी को उतरवाओगे, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी पार्टी थी या कोई अदर कोई ऐसी सोर्स थी तो जहाँ से आपके पास रिकॉर्डिंग है जो उसने ये बोला है मेरी वर्दी को? नहीं, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं, ये तो इन्होंने बताया था हमें कि बाहर आके 22 दिन के बाद। तो दूसरे पक्ष के लोग हैं, उन्होंने कोई शायद हो सकता है, हम इस बात पर दिए या मतलब देखो कहानी तो यही है कि रिश्वत दी हुई। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य एक पॉइंट और देना चाहता हूँ। पुलिस के पास जो थाने या चौकी में कोई कंप्लेंट देता है और वो एक बार रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसमें तो कोई चेंजिंग पॉसिबल नहीं है या है? नहीं है ना। ये कंप्लेंट 12 फरवरी 2021 को दी जाती है शिकायतकर्ता के थ्रू, और इसमें जो है ये बाकायदा लिखा हुआ है 4 कनाल 15 मरले, 4 कनाल 15 मरले, ठीक है जी। यही कॉपी मैंने RTI लगा के जो है राम अवतार जी से मंगाई थी, तो इसमें जो है उन्होंने फ्लूड लगा के उसको 4 कनाल को 2 कनाल 1 मरला कर दिया है, और इस बात का प्रूफ हमारे पास है। जब हम थाने में गए 15-20 लोग थे, तो IO साहब से हमने पूछा कि सर आपके पास जो कंप्लेंट आई थी उसमें रजिस्टर्ड होने के बाद चेंजिंग पॉसिबल है कि नहीं, तो फिर सर ये चेंजिंग कैसे होगी, हमारे पास प्रूफ है, हमने ये वीडियो में से ली थी, तो कहता है कि यार ये फाइल यहाँ पे रखी होगी और हो सकता है कि कोई बाहर से आके इस पे फ्लूड लगा गया हो, तो फिर आप ड्यूटी किस लिए कर रहे हैं, आपने वर्दी किस लिए पहनी हुई है, आप ड्यूटी क्यों कर रहे हैं, आप ड्यूटी छोड़ दीजिए, आप जॉब करने के लायक नहीं हैं। अगर आपकी फाइल पे कोई बाहर से आके अगर फ्लूड लगा के चला गया तो आप पुलिस की जॉब करने के लायक नहीं है, आपको वर्दी छोड़ देनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ये टोटल जो IO विजय सिंह है एक भ्रष्ट किस्म का पुलिसकर्मी है, और इसके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एग्रीमेंट क्या है दूसरा एग्रीमेंट जो हमने? एग्रीमेंट में भी वही सारी चीज़ें वही हैं, 25 लाख और 26 लाख वाला मामला। बात करेंगे, 4 जो पुलिसकर्मी थे, एक महिला पुलिसकर्मी थी, जिस तरीके से ले गई एक महिला को, ग्रामीण महिला को, गाँव में एक बड़ी इज्जत मान सम्मान होता है, इस महिला को वो कैसे लौटेगी? भाजी वो तो देखो जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन इस पीड़िता को अगर न्याय दिलाना है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए IO के खिलाफ कम से कम। तो अब जैसे कह रहे हैं कि संघर्ष के लिए अब पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर भी बैठ सकते हैं, तो वो भी पूरा गांव? हाँ, वो भी हम कोशिश करेंगे, और इसके बाद अगर यहाँ पे अगर कार्रवाई नहीं होते तो हम माननीय उच्च न्यायालय भी जाएंगे, वहाँ पे भी करेंगे, लीगली जो कार्रवाई बनेगी वो हम वो भी करेंगे। इसके साथ जो अन्याय हुआ है, इसीलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं शामिल होकर उसका हिस्सा भी बनी हूँ, और मैं चाहती हूँ इसे न्याय मिलना चाहिए, जिसका कि नाम FIR में नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है, जिस सिर्फ इसलिए कि वो जिसके खिलाफ FIR की गई है उसकी पत्नी है, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको 22 दिन की सज़ा भी दे दी गई, और मैं हैरान हूँ कि हमारे जो कानून विज्ञ हैं या जो कानून के पालक हैं उन लोगों ने लॉ को नहीं पढ़ा या किस नशे में ये सब काम हुआ मुझे नहीं समझ में आता। FIR में नाम न होते हुए इसको सबसे पहले अरेस्ट किया गया, वो भी बिना बताए किया गया, कोई वजह नहीं बताई गई,
इसके साथ ना तो कोई मेडिकल हुआ, इसको शाम को देर रात को लेकर गए हैं, जो सीसी फुटेज आ रही है उसमें 7 बजे के अराउंड इसको अरेस्ट किया गया। तो बिना किसी कारण के एक महिला जो है सजा भोग के आ गई, सिर्फ इसलिए कि उसको कुछ पता नहीं है, ये अनभिज्ञ है चीज़ों से, इसलिए उस पर आसान हुआ ये सब काम कर पाना। इसी जगह कोई सशक्त महिला होती तो क्या वो कर पाते, उनको जवाब देना पड़ता हर बात का। तो एक गरीब और अनपढ़ महिला के साथ इस तरह की हरकत हो जाना, ये हमारे देश में क्या हो रहा है, जंगल राज जैसा व्यवस्था चल रही है। पढ़ाने की बात करते हैं और वो उनके बात करते हैं, क्या आप देखो ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी सुरक्षा सब बातें होती हैं और नतीजा आपके सामने है कि क्या हो रहा है उसके साथ, पॉलिटिकल दबाव और ये सब चीजें। संघर्ष में आप भी बिल्कुल साथ, बिल्कुल जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ पे हम साथ खड़े हैं। नेत्रपाल जी, नेत्रपाल सिंह आर्मी से रिटायर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ऐसा है, जब FIR में नाम नहीं होता है जब तक वो मुलजिम नहीं कहलाता। मुलजिम जब बनता है जब FIR में नाम हो और उसके बाद इसको अरेस्ट कर सकते हैं, बाकी अरेस्ट करने का ऑर्डर 5 बजे के बाद में महिला को पुलिस द्वारा कैद में करना, ले जाना, उठाना, ये बिल्कुल कानून के बरखिलाफ है। और जहाँ तक भी मेरे समाज को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आप भी महिला के संघर्ष के साथ हैं? मैं संघर्ष के साथ हूँ। और जो गांव वाले जो इनके नाम है ये बैठे हैं लोग, अगर ये भाई मेरे को बुलाते हैं तो मैं इनके साथ भी जाने के लिए तैयार हूँ। दिन रात जो भी 5-7-10 गांव हैं यहाँ पर, उनमें पंचायत करने के लिए मैं तैयार हूँ और संघर्ष की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल, चाहे मुझे प्रधानमंत्री तक भी जाना पड़े। बहुत से रिटायर हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद इस महिला के लिए आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा।